इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में डॉक्टरों के खिलाफ जारी हमलों को देखते हुए 22 अप्रैल को सफेद कोट डालकर सफेद दिवस और 23 अप्रैल को काले बिल्ले लगाकर काला दिवस मनाकर रोष प्रकट करने का फैसला लिया है। इस संबंधी यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए देश भर में स्पेशल एक्ट बनाकर उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जारी रह सकें और डॉक्टर गंभीरता के साथ अपना कार्य कर सकें। सरकार को इसको कड़ी संज्ञानता से लेना चाहिए। ये पहले भी हो रहा था और जब हम पिछले 4 साल से एक सेंट्रल एक्ट की मांग कर रहे थे जो कि 23 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में पास है, पर वो अभी से लंबित पड़ा है काफ़ी देर से। हाँ, इस भयंकर माहौल में सरकार ने हर एक जगह जहाँ जहाँ है तत्परता दिखाई है और NSA लगाया गया है, बट NSA स्पेशल परिस्थिति में एपिडेमिक एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और डिजास्टर एक्ट में है, परंतु ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, हेल्थ नर्सेज की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, जैसा कि IMA डिमांड कर रही है और बाकी भी डिमांड कर रहे हैं, आपको एक स्पेशल एक्ट ऑर्डिनेंस द्वारा लाया जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं, और जल्द से जल्द इसको लाया जाना चाहिए। और समाज से भी अपील करना चाहूँगा, कोविड और आपके बीच में सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज, मेरे सारे स्वास्थ्यकर्मी साथी, लैब टेक्नीशियंस, सैनिटेशन वर्कर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स और सबसे पहले हम सब के बीच में पुलिस का जितना आप धन्यवाद करें उतना कम है। वो आपके भले के लिए सड़कों पर हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं और संक्रमण में ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अपने डॉक्टर से कोई हिस्ट्री ना छुपाएं, जब भी किसी डॉक्टर को मिलने जाएं या स्वास्थ्य कर्मी को मिलने जाएं, मास्क डाल के जाएं, हाथ धो के जाएं और बताएं कि मेरे को, मैं यहाँ गया था या वहाँ गया था या किसी विदेश यात्रा से करके आया हूँ या मैं उस विदेश यात्रा वाले को बाद में मिला हूँ, ताकि आपकी कमी के कारण सारा हॉस्पिटल ना संक्रमित हो। और कोविड से, कोरोना से डरने की ज़रूरत है। आप अगर संक्रमित हो गए, हर एक आदमी ने सीरियस नहीं होना, कोविड का मतलब मौत नहीं। कोविड-19 के मरीज हम अब देख रहे हैं कितने ठीक होकर जा रहे हैं, और भारत की जनसंख्या से के हिसाब से अभी हम उस कर्व पर नहीं आए हैं, पीक पर नहीं आए हैं। लॉकडाउन के बाद मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करें, घेरे का पालन करें, कहीं भी जगह भीड़ ना एकत्रित हो, और ये सब कार्य आपकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। और आखिर में फिर कहूँगा, डॉक्टर की सुरक्षा का जिम्मा जब तक आप नहीं लेंगे और आप नहीं इसको, अगर कोई मुट्ठी भर लोग ये कार्य करते हैं और बाकी लोग खड़े होकर देखते हैं, तो ये समाज के लिए चिंतन का विषय है। धन्यवाद। सर, 22 तारीख का क्या कार्यक्रम? 22 तारीख को सफ़ेद अलर्ट है, सफ़ेद कोट में चेतावनी, और हम इस दिन सारे डॉक्टर लोग, नर्सें, स्वास्थ्य कर्मी और बाकी साथी एक मोमबत्ती जला के पहले अपने साथी जो हम खो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि रोशनी की लो से अंधविश्वास का अंधेरा जो कोविड-19 के बारे में हमारे डॉक्टरों के साथ लोग जोड़ रहे हैं, उसका मिटाव हो और सफ़ेद कोट सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है।
हमारी आशा है कि इससे पहले तब तक कल या परसों कल तक केंद्र सरकार केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस द्वारा ले आएगी, नहीं तो 23 तारीख को कल 22 को श्वेत दिवस, 23 तारीख को काला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें काले बिल्ले डालकर रोष प्रकट करके काम करेंगे।